हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द 1 मिलीमीटर एंड ऑब्टेन द डाटा रिप्रेजेंट द फ्लोइंग टेबल। हमें अलग अलग 40 पत्तियाँ दे रखी हैं, ठीक है, लीव्स दे रखी हैं, जिनकी लेंथ हमें यहाँ पे दे रखी है, यानी 118 से लेके 126 mm वाली 3 पत्तियाँ हैं, 127 से लेके 135 वाली 5 हैं, 136 से लेके 144 वाली 9 हैं, 145 से 153 वाली 12 हैं, 154 से 162 वाली 5 हैं, 163 से 171 वाली 4 हैं, 172 से 180 वाली 2 पत्तियां हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट ये बोला गया है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा। हमें एक हिस्टोग्राम बनाना है इस डाटा को रिप्रेजेंट करते हुए, ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले हम इसका बनाएंगे हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम बनाने से पहले फ्रेंड, जो ये हमें सीरीज दे रखी है, क्लास इंटरवल दे रखा है, हमें इसको पहले एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी टेबल के अंदर मैं इसको दोबारा से एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड। ये मैंने लिखी लेंथ इन mm। अब इसको एडजस्ट कैसे करेंगे, हमें इसको कॉन्टीन्यूस बनाना पड़ेगा। कॉन्टीन्यूस का मतलब होता है कि ये दोनों नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं, बट यहाँ पर सेम मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको सेम मैच कराएंगे, देखो हम कैसे करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर वो लाइन बढ़ा ली इसी क्वेश्चन में, ठीक है। हमें देखना फ्रेंड 126 और 127 इनके बीच में कितने नंबर का गैप है। एक नंबर का है, 126 127 एक नंबर का फर्क आ रहा है। एक का आधा होता है 0.5। हमें 0.5 इसमें से पूरे में से माइनस करना है और 0.5 इस पीछे वाले में प्लस करना है, ठीक है, ताकि मेरा जो इफेक्ट रहे वो निल रहे। आगे वाले में मैं माइनस कर दूंगा, पीछे वाले में प्लस कर दूंगा। तो इसमें मैंने 0.5 माइनस कर दिया तो ये आएगा मेरा 170.5, माइनस किया 126.5, माइनस किया 135.5, माइनस किया 144.5, 153.5, माइनस किया 163.5, माइनस किया 171.5, ठीक है फ्रेंड। हमने इस वाली लाइन के अंदर पूरे में माइनस कर दिया, पीछे वाली जो लाइन है इसमें हमें क्या कर देना, प्लस कर देना है। प्लस किया तो 126.5, प्लस किया 135.5, प्लस किया 144.5, प्लस किया 153.5, प्लस किया 162.5, प्लस किया 171.5, प्लस किया 180.5, कर दिया। तो ये मेरी होगी लेंथ तैयार। अब हम इसको हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ग्राफ लिया, ठीक है, आपको दिखा दूं। तो फ्रेंड ये मैंने यहाँ पे ग्राफ ले लिया, ठीक है। तो ग्राफ के अंदर जो ये लेंथ है इसको मैं डिनोट करूंगा एक्स एक्सिस पे, ठीक है। बट फ्रेंड इसमें देखा जाए, इसमें की शुरुआत हो रही है 135.5, तो इसकी शुरुआत हो रही है 170.5 से, ठीक है। तो हमें इससे पीछे के नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, तो इसके लिए मैंने यहाँ बना दिया एक किंक, ठीक है, ताकि मेरे को इससे पीछे के नंबरों की लेने की ज़रूरत ना पड़े। अब फ्रेंड इन सारे नंबरों में ना कॉमन डिफरेंस आ रहा है, यानी कि सबका डिफरेंस सेम है, इन सब में 9 का डिफरेंस है। अगर मैं 126 में से 126.5 में से 117.5 माइनस करूँ तो 9 आएगा, इसमें से ये माइनस करूँ 9, सबका कॉमन डिफरेंस 9 है। तो डिफरेंस को देखते हुए, क्योंकि मेरे को यहाँ पर जो नंबर लेने होते हैं ना उनका सबका डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे इसी सीरीज़ को यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। बट याद रहे फ्रेंड, हमें इनका गैप सेम रखना होता है और इनका सेम है, इसीलिए मैं ऐसा एज इट इज़ लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 117.5, 126.5, 135.5, 144.5, 153.5, 162.5, ठीक, और 171.5, और यहाँ पे 180.5, ठीक है, ये मैं लिख दिया, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है मेरी, 162.5 होगा यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड। ये सारे मैंने इनको लेंथ को कहाँ ले लिया, एक्स एक्सिस पे ले लिया, ये मेरी लेंथ हो गई इन एमएम,
ठीक है। और जो ये नंबर ऑफ लीव्स है इनको मैं ले लूँगा वाई एक्सिस पे, तो इनको मैं ले, देखो मोस्टली नंबर है वन की टेबल में ही आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं गैप ले लेता हूँ वन का, ठीक। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पे दे रखा है कि 117.5 से 126.5 पे कितनी लीव्स आ रही हैं, थ्री आ रही है। तो 117.5 126 पे कितनी है, थ्री लीव्स। तो मैं यहाँ पे तीन पे मार्क कर देता हूँ और इसको तीन से मिला देता हूँ, ठीक है फ्रेंड। इस पे रखता हूँ मैं ग्राफ को। और फ्रेंड याद रहे कि आपको ये जो ग्राफ है वो पेंसिल से ड्रॉ करना है, पेन से ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। अगर पेन से ड्रॉ करोगे तो इसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको थोड़ा डार्क नज़र आए, इसलिए मैं इसको पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। फिर इससे अगली कैटेगरी है कि 126 से 135.5 पे पाँच आ रहा है, ठीक है, तब इसको बनाएंगे पाँच पे, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड इससे अगला नंबर है 126.5 से 135.5 पे कितना है, फाइव आ रहा है। तो इसमें मैं फाइव पे पॉइंट यू मार्क कर लेता हूँ, फाइव फाइव 126 से 135 पे। तो यहाँ रखा मैंने ग्राफ को, ये लाइन ड्रॉ कर दी और इसको मिला दिया, ये मेरा आ गया, ठीक है। फिर इससे अगला पॉइंट आ रहा है कि 135.5 से 144 पे कितना दिखाना है, नाइन दिखाना है, ठीक है। तो अब बनाएंगे नाइन पे, तो नाइन का ग्राफ यहाँ पे होगा। मैंने दो पॉइंट मार्क कर दिए, दोनों को मिला दिया, इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है 144 से 153.5 पे 12 आ रहा है, ठीक है। तो अब दिखाएंगे 12 के ऊपर, तो 12 पॉइंट मेरा यहाँ पे है, मैंने दो पॉइंट मार्क कर लिए, उसके बाद ग्राफ पे बना देता हूँ। ये हो गया मेरा, ठीक है। इसके बाद आ रहा मेरा 153 से 153.5 से 162.5 पे 5 आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं 5 पे मार्क कर लेता हूँ, ये रहा 5 162.5 पे, ये मेरा 5 आ गया और अब इसको मिला दिया, ठीक। इसके बाद आया मेरा 162.5 से 171.5 पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो अब बनेगा 4 पे ग्राफ, 4 मार्क कर लिया और 4 पे मैंने ग्राफ को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। अब आ रहा है 171.5 से 180.5 पे कितना आ रहा है, 2। अब 2 तक बना देंगे, ये मेरा 2 तक हो गया, ठीक है। और यहां लिख देता हूं मैं नंबर ऑफ लीव्स, नंबर ऑफ लीव्स यानी पत्तियों की संख्या। अब इतना करने बाद फ्रेंड, ये ग्राफिकल तो मेरा काम हो गया। अब इतना होने के बाद में अब मैं इनकी जो पार्ट है उनका आंसर देता हूं, ठीक है। तो इसके जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का तो आंसर हो गया, सेकंड पार्ट बोला है इज द एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा। अगर इसी डाटे को अगर हम किसी और मेथड से बनाएं तो क्या उस किसी और मेथड से इसको दिखाना पॉसिबल है? हाँ, हम इसको दिखा सकते हैं, हम इसको ग्राफिकल पॉलीगन से दिखा सकते हैं, सॉरी फ्रिक्वेंसी पॉलीगन से, ठीक है। तो अनदर मेथड कौन सा होगा, अनदर मेथड जो होगा वो होगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। जो फ्रेंड इसका क्वेश्चन अभी आगे भी आएगा, पॉलीगन बनाने के लिए आएगा, उस मेथड से भी इसको बनाया जा सकता था, ठीक है। इसको हिंदी में लिखेंगे अन्य विधि। दूसरा मेथड होगा इसका बारंबारता बहुभुज, बारंबारता बहुभुज, ठीक है। फिर इसका तीसरा पार्ट,
बोला गया इज द करेक्ट कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग वाई, ठीक है, यानी कि 153 mm वाली पत्तियां सबसे ज्यादा बड़ी हैं। तो फ्रेंड देखा जाए 145 से 153 वाली पत्तियां कितनी है, 12 है, सबसे ज्यादा तो यही है, तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, यस एज इन द क्लास इंटरवल कौन सा दे रखा है, 145 से 153, या फिर या ये भी हो सकता है 144.5 153.5, ठीक है, द लेंथ ऑफ लीव्स इज मैक्सिमम, ठीक है, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, हा वर्ग अंतराल 145 से 153 या 144.5 से 153.5 में पत्ती की संख्या अधिकतम है। ठीक है फ्रेंड, और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो फ्रेंड इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पे नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। ओके, बाय बाय, थैंक यू।